गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मेरा पूजा का तीसरा दिन है। आज मैं दिन भर निर्जल उपवास रहूंगी और क्या बोलते हैं, शाम को हम लोग घाट पर जाएंगे, नदी के किनारे सूर्य भगवान को, डूबते सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ठेकुआ बनाऊंगी। अभी आज मैं बहुत सवेरे उठ गई हूँ, करीब 5 बज रहा है अभी। तो हम लोग ठेकुआ वाला खाली पूजा के लायक मैं बना ले रही हूँ, और बाकी बांटने वाला हम लोग बाद में घर के और दूसरे लोग बनाएंगे, लेकिन ये अर्घ देने वाला मुझे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं उपवास हूँ। इसके लिए मैं ये और यहाँ पे गुड़ गलाई हूँ, एक गुड़ और इसका बनता है। तो यहाँ पे ये गुड़ है, गुड़ का सिरप, और ये आटा है। तो ये आटा में मैं थोड़ा सा पहले घी डालूंगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा पहले घी डाल दूंगी। आज हम सब पूरा एकदम शुद्ध घी से बनाएंगे, तेल का यूज एकदम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ, और घी डाल के इसको मिलाऊंगी, और इसके साथ में थोड़ा सा गंगा जल इसी में ऐड कर दे रही हूँ। यहाँ पे गंगा जल डालते हैं ठेकुआ में, तो मैं सिरप में ही थोड़ा सा गंगा जल ऐड कर दे रही हूँ, जिससे कि ठेकुआ एकदम शुद्ध बनेगा। और इसे हम मिला कर और इसको इसे सिरप से आटा गूंथेंगे इसका। इसमें थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ। अब मैं ठेकुआ छानने जा रही हूँ, आटा गुथा गया है। हम पहले इसको टेक लेते हैं चूल्हा को। यहाँ मैं 1 गिलास पानी रख ली हूँ, इसको टिकना है करके। अब मैं गैस जला रही हूँ, गैस के पास ला लिया थोड़ा लो के पास। और इसमें हम कढ़ाई रख लेंगे, पोस दबाइए, पोस पोस। बंद का फिलहाल अब हम इसका ठेकुआ बनाएंगे। सब फल को अच्छी तरह धोकर तब मैं ले जाऊंगी, ऐसे नहीं ले जाएंगे सब फलों को। इस तरह से मैं धो धो के रख दूंगी, उसके बाद में सूप सजाऊंगी ना। सब धो ले रहे हैं फल को, सब फल को धोना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बांटने के लिए प्रसाद बन रहा है,
पूजा का तो मैं सुबह थोड़ा सा बना ली थी, अब ये बांटने के लिए बनाया जा रहा है अधिक मात्रा में। इस तरह से इसमें रोली सूता बांध दूंगी मैं, रोली धागा जो बोलते हैं, इसको इस तरह से नारियल में बांध के ले जाऊंगी सूप में रख के। और इसके साथ ही मैं इसको लोटा के इसमें भी बांध दी हूँ इस तरह से, इस तरह रख देंगे हम लोग। ये आटा डाल के इसका ये बनाऊंगी, इसमें हल्दी डालूंगी, ये हल्दी इसे अब तक इसको बोलते हैं। इस तरह का बना के मैं इसको दिया में लगाऊंगी, कोसी के दिया में लगाया जाता है इसे। इसमें दिखा रही हूँ कैसे लगाएंगे इसे, पहले इसको बना लूँ अच्छे से। इस तरह से सब दिए बना के मैं सामने कोसी, तो इस तरह से दिए में लगा के रख दूंगी जिससे कि सूख जाए। सूप बना रही हूँ, एक तो वाला सूप है, एक तो पीतल का है और एक तो इसमें बनाऊंगी। तीन सूप तैयार हूँ, आप देखिए ये नारियल पहले रखूंगी हमें, ये बरबट्टी लगता है, ये अदरक, ये मूली का पत्ता, गन्ना तीन ठो, तीनों में गन्ना है, और क्या है इसमें, पानी फल ना, ये पानी फल डालूंगी। ये है हल्दी का पेड़, हल्दी, ये अदरक, ये अदरक है, ये हल्दी है, और इन सब में एक तो ये आलता पत्ता रखते हैं, आलता पत्ता रखेंगे। पान लाऊंगी, पान का पत्ता, इसलिए एक पान का पत्ता रखेंगे, और पान का पत्ता के साथ साथ एक एक सुपारी, ये सुपारी है, इसमें सुपारी जाएगा। में मैं दिया रखूंगी, सब में एक एक दिया रहेगा, वहां पे घी डालेंगे जाके, और इसके साथ एक गले में पहनने वाला एक एक डालूंगी मैं। इसके साथ ही मैं सिंदूर रखूंगी, मैं यहाँ पे पीला वाला सिंदूर, और साथ में सच जाएगा
मैं खाने जाऊंगा। पान का पत्ता, और माला, ठेकुआ हम लेके कुछ में रखेंगे सूप में, और ये ठेकुआ को हम सवेरे बदल देंगे, ये वाला ठेकुआ सुबह नहीं रहेगा। अभी पांच पांच में हर सूप में डाल रही हूँ, देखिए। इस तरह मेरा सूप तैयार है।